हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज संडे का दिन था और हमारा मन था कि कुछ एक्साइटिंग करो और एंजॉय भी हो। तो दोस्तों, आज हम चले गए थे, हमारे एक दोस्त हैं सलमान जो कि जिम करते हैं, और वहीं हमारे एक दोस्त है हेमंत डाबी जो कि एक देसी रेसलर है, अखाड़ा करते हैं। इसमें से जो प्रिंटेड ब्लैक कलर की बनियान में वो है हेमंत डाबी, और प्लेन बनियान में वो है सलमान। तो आज हमने सोचा दोनों के बीच में टक्कर कराएं कि देसी अखाड़ा ज्यादा ताकतवर होता है कि जिम वाला ज्यादा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों, दोनों ही जो रेसलर हैं एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ये दोनों ने एक दूसरे को घुमा दिया है। ये कि चलो फिर से दोनों ताकत लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इधर की तरफ ताकत ही लगाए जा रहे हैं। फिलहाल में दोनों ने कुछ दाव नहीं लगा, ये हेमंत पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं सलमान को। हेमंत उधर सलमान ने भी हेमंत के पैरों को पकड़ लिया, उन्होंने भी उनके पैरों को पकड़ लिया। इधर ये बंदा कौन ने पीछे लटक रहा है, ये इसको ऐसा लग रहा है कौन ने सजा दे दी हो। दोस्तों, इधर सलमान पटकने का ट्राई कर रहे, उधर हेमंत भी, दोनों एक दूसरे को उंधा करने का ट्राई कर रहे कि हम कैसे न कैसे एक दूसरे को पलट दे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है जो रेसलिंग का एक रूल होता है या दंगल का, जिसमें जिसकी पीठ पहले ही नीचे टिक जाती है वो हार जाता है, फिर आउट हो जाता है। इसमें हमने 2 राउंड करा है, पहला राउंड देखते हैं क्या होता है। पहला राउंड चल रहा है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और हमारे देश को, हमको दंगल को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों दोस्तों, ये सलमान ने हेमंत को पलटने का ट्राई करा, पर हेमंत नहीं पलटे। दोनों के बीच का पहला मुकाबला दोस्तों समाप्त हो चुका। पहले मुकाबले का दोनों कुछ परिणाम नहीं मिला, दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी पड़े। दोस्तों, पहले मुकाबले में जिम और देसी अखाड़े वाले जो रेसलर दोनों बराबर होते हैं। सेकेंड राउंड में देखते क्या होते हैं, फिर से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को ट्राई कर रहे हैं पीछे धकेलने का। उधर ये चमकी ने सलमान को नीचे दबा दिया इस वीडियो में, इसमें 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 सलमान पूरा पलटने का ट्राई कर रहे हैं, पर चमकी भी, इधर सलमान ने चमकी को पलट दिया, इधर सलमान चमकी के नीचे। दोस्तों, यहाँ पर सलमान की थोड़ी सी पीठ टिकी, पर वो उनका पूरी पीठ नहीं टिकी, जिसके अंदर आउट नहीं मारा, और ये भी ड्रा हो गया। दोस्तों दोस्तों, हमने दोनों रेसलर को लड़ाया और मुकाबला ड्रा हो गया। पहले वाले में भी दोनों बराबर है, दूसरे में भी। हम ये कह सकते हैं कि जिम अपनी जगह और देसी अखाड़ा अपनी जगह, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। एक जगह शरीर में कटिंग जल्दी आती है, जल्दी रिजल्ट दिखने लगता है, वहीं देसी अखाड़े में रिजल्ट दिखने में समय लगता है। पावर दोनों का सेम टू सेम ही रहता है दोस्तों, दोनों में खान पीन लगती है। दोस्तों, हम भी वहां गए थे तो हमने भी सोचा कि कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। तो दोस्तों, हमने वहां पे सीखी बनोटी घुमाना। दोस्तों, अब ये पहली पहली बार मेरा, मतलब पहले मैंने घुमाई, पर बहुत दिन बाद में घुमा के देखता हूँ दोस्तों। फिर मैंने डबल बनोटी ट्राई करी, डबल डबल, ये दोस्तों क्या घुमा रहा हूँ मैं, खतरनाक। दोस्तों, मैं कोई भी चीजें सीख जाता हूँ। दोस्तों, आज हमारा फन करने का मन था, इसके लिए आज हमने दोनों के बीच में, और संडे भी था तो जिम भी ऑफ थी, वैसे अखाड़ा भी ऊपर था, पर हमारा भी डोल 11 आने वाली, इसके कारण अभी अखाड़े बोल रहे। दोस्तों, 2 महीने बाद जो डोल 11 आने वाली, उसमें हमारे गाँव हाटपिपलिया में एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, जिसमें नरसिंह भगवान की जो प्रतिमा है वह 3 बार पानी में तैराई जाती है, और कभी वह मूर्ति 3 बार पानी में तैर जाती है। तो जो हमारा गाँव, और या फिर गाँव के लिए, या फिर देश के लिए, पूरे देश का जो साल है वो खुशहाली में बीतेंगे। जैसे कि आप, जैसे पिछली बार हमारी जो मूर्ति है वो 3 बार दे रही थी, जिसके कारण वर्षा ऋतु भी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नई चीज के बारे में जानते हैं, और हमारे एजुकेशनल वीडियो भी आते रहेंगे जो कल परसों से कंटिन्यू हो जाएंगे, जो भी 2-3 दिन से हमारे बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।